नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ भूदशा प्रकरण संकट पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में रखे अपनी बात, पीड़ितों का तहसील कार्यालय में धरना जारी। जोशीमठ को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार का बयान, भूदशाव के बाद धामी सरकार द्वारा किए कार्यों को गिनाया, कहा प्रकरण पर केंद्र सरकार की पैनी नजर। सितारगंज के सिडकुल की फैक्ट्री में 213वें दिन धरना जारी, मजदूरों ने सीएम धामी के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगों को पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। जैविक राज्य बनने की तरफ आगे बढ़ रहा उत्तराखंड, उत्पादों की बढ़ती मांग को लेकर बढ़ा किसानों का रुझान, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा भूमि पुत्रों पर मोदी का विशेष आशीर्वाद। और राजधानी देहरादून और हरिद्वार सहित मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश, तापमान में आई गिरावट, तो मसूरी धनौल्टी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के जोशीमठ में भूदशाव संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामले की सुनवाई शुरू होने पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उत्तराखंड के वकील से पूछा कि वहां की वर्तमान स्थिति क्या है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। उत्तराखंड सरकार ने कहा हमारी राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वालों से कहा कि इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो बेहतर होगा कि आप उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल करें। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उत्तराखंड हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो देखना होगा कि यहां सुनवाई का औचित्य है या नहीं। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूदशाव और भूस्खलन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत बचाव कार्य, स्थायी और अस्थायी पुनर्वास से संबंधित किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रति परिवार विस्थापन के लिए अग्रिम रूप से 190 प्रभावित परिवारों को 2,85,00,000 रुपये की धनराशि वितरित कर दी गई है। राहत की खबर है कि जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज 239 LP से घटकर वर्तमान में 163 LP हो गया है। साथ ही भारत सरकार के स्तर पर CBI द्वारा भवनों की क्षति और आकलन के लिए क्रैक मीटर संबंधित भवनों पर लगाए गए हैं। अभी तक 400 घरों का क्षति आकलन किया जा चुका है। वाडिया संस्थान द्वारा 3 भूकंपीय स्टेशन लगाए जा चुके हैं जिनके आंकड़े भी प्राप्त किए जा गए हैं। कंपनसेशन के लिए अभी जब तक पूरी सर्वे रिपोर्ट पूरी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श नहीं हो जाता है, भारत सरकार से विचार विमर्श नहीं हो जाता है, तब तक इस पर बात करना ठीक नहीं है। पहला तो यह है कि जो डैमेज्ड होटल्स हैं, जो डैमेज्ड हाउसेज हैं, जिनको रिट्रोफिट नहीं किया जा सकता है किसी भी दशा में, उसको हटाना है मलबे को और उसको फिर स्टेबलाइज करके हमको वहाँ पर जो भी निर्माण की जो गाइडलाइंस बनेगी जोशीमठ के लिए उसके अनुसार किया जाएगा। अगर उसको स्टेबलाइज करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं कि ना अब हम जोशीमठ को पुनः बसा सकते हैं तो उसी हिसाब से गाइडलाइंस के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देहरादून आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार की प्रेस वार्ता जोशीमठ को लेकर की गई प्रेस वार्ता। 849 भवनों में अब तक देखने को मिल चुकी है दरारें। 4 वार्डों के 165 आवासों को बताया असुरक्षित। जोशीमठ में 240 LPM से 163 LPM हुआ पानी का रिसाव। 237 परिवारों के 800 सदस्यों को किया जा चुका है विस्थापित। 190 परिवारों को अब तक किया जा चुका है 2,85,00,000 जोशीमठ में घरों की दरारों को मॉनिटर करने के लिए लगाए गए हैं क्रैकोमीटर। रोपवे टावर के पास कोई नया क्रैक नहीं, टावर की सुरक्षा के लिए GMVN को दिए गए हैं निर्देश।
कोटी कॉलोनी उद्यान विभाग की जमीन पीपल कोटी ढाल की जमीन मिली सुरक्षित। यहां बनाए जाएंगे अस्थाई आवास, घरों का सर्वे होने के बाद उसी तर्ज पर विस्थापित किए जाएंगे अस्थाई आवास। औसतन 25 साल लाइफ होती है फ्री फैब्रिकेटेड हाउस की। सचिव आपदा का बड़ा बयान, जोशीमठ को फिर से बनाया जाएगा सुंदर और आकर्षक। सरकार और शासन इसके लिए संकल्पबद्ध है। जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार आज भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तहसील प्रांगण में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं पीड़ित परिवारों का आरोप है कि एनटीपीसी के द्वारा जो विद्युत टनल बनाई जा रही है उसी के कारण जोशीमठ देवनगरी को ये दिन देखना पड़ रहा है। वहीं पीड़ित परिवार मांग कर रहे हैं कि एनटीपीसी के सारे कार्य बंद कर दिए जाए और साथ में जोशीमठ देवनगरी के सारे पीड़ित परिवारों को जो इस वक्त बेघर हो चुके हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान और होटल के बदले होटल, खेत के बदले खेत नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे लोग? लोगों का मुआवजा भरे ना सरकार। वन टाइम सेटलमेंट की बात हो रही, सरकार बहुत जल्दी मुआवजा तय करे, रेट तय करे और लोगों को विस्थापित करे। सरकार इतने दिन से हिला हुए लिकाई को कर रही है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, रोना बिलाप लगा हुआ है। ऐलान कर दिया है कि जब तक एक एक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो जाता, जब तक एक एक व्यक्ति को उसका जो हक है उसको नहीं मिलता, क्योंकि जब तक जो है ये यहाँ जोशीमठ के जो लोग हैं उनको उनके घरों से, उनके मकान से, उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया है। और ये किसने किया? उन सरकारों ने जिन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे आज जोशीमठ जो है उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। और इसका जब आप इसके जिम्मेदार हो तो आप लोगों को इसका हट जाना और पूरा जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसका विस्थापन हो, हाई कमेटी बने, इसमें हमारी सदस्यता हो, इसमें हम लोगों की भागीदारी रहे ताकि हम देख सके कि कहां क्या हो, पारदर्शिता इसमें रहे। सितारगंज में जाइडस वेलनेस इम्प्लाइन यूनियन के लोगों ने सितारगंज सिटकुल में 213 दिन से लगातार धरना जारी है। मजदूर यूनियन के लोग एकजुट होकर सितारगंज सिटकुल के मजदूरों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के विरोध में मोर्चा खोल दिया और कहा कि हमारी मांगों को धामी सरकार पूरा करने में नाकाम है। लोग इस कारखाने से जुड़े हुए थे, वो दोबारा से इस कारखाने में सुचारू रूप से काम करें, उन 1200 लोगों को रोजगार मिले, हमारी एक ये मांग है। बाकी 213 दिन से हम लोग लगातार धरना रहते हैं और तमाम जगह हमने ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री को, कुछ 5 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, इसमें अभी तक हमें कोई मतलब सख्त कार्रवाई नजर दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ है जो हमने कल एक दिवसीय उपवास भी हमने रखा हुआ था, क्योंकि 7 महीने से हमारे सभी जितने भी इसमें वर्कर थे उन सभी की आमदनी कहीं ना कहीं जीरो हो चुकी है, तो अब भूखमरी की कगार में भी आने लग गए हैं लोग, तो इसलिए हमने एक दिवसीय उपवास रखा हुआ था। और इसी के साथ में कल हम एक शाम को 5 बजे सितारगंज के शहर में हम एक जुलूस या अपना निकालेंगे, मसाल के तौर पर मसाल लेके जुलूस निकालेंगे। शुरू से लेकर अभी तक एक ही बनी है कि भैया जो यहाँ पर जो फैक्ट्री से प्रभावित परिवार हैं इनकी जो कार्यवाही है वो इसी फैक्ट्री में की जाए, मतलब जो कारखाना है ये खुलवाया जाए और इन पे इनकी कार्यवाही, जो 1200 श्रमिक बेरोजगार हुए हैं और इनके जो परिवार हैं तो इस तरीके से इनको कार्यवाही यहीं इसी रूप में जिस तरह से वो कार्यरत थे उसी रूप में की जाए। की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग को देखते हुए प्रदेश के किसानों का रुझान भी जैविक खेती के प्रति बढ़ रहा है। यही वजह है कि बीते 4 सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का रकबा बढ़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जा रहा है। वहीं राज्य की धामी सरकार भी किसानों को जैविक खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मोदी का विशेष आशीर्वाद किसानों पर है और जब से इस मंत्रालय को उन्होंने संभाला है तभी से लगातार जैविक खेती की ओर उत्तराखंड राज्य बढ़ने लगा है। अगर आप देखें किसी किसान से अगर आप बात करें, जब से ये मुझे मंत्रालय मुझे मिला है और माननीय मोदी जी का एक विशेष आशीर्वाद किसानों को है, जहां किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार दे रही है, हमारी सरकार ने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये हमारी सरकार देगी, जो किसानों की आय दुगने में एक सार्थक कदम होगा।
और आज केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाएं कृषि में केंद्र सरकार की 80-20 की रोशनी से चल रही हैं। मैं उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। यही कारण है कि आज किसान मजबूत हो रहा है, उसकी आय बढ़ रही है और जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पूरा करेंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना, पीएम सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है, खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मीडिया कार्यशाला और स्वास्थ्य संवाद का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में जनपद उद्यम सिंह नगर के विभिन्न योजनाओं के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता चुफाल रतूड़ी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आम जनमानस के लिए विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही है। Thank you.
सुरक्षा योजना 2005 से शुरू हुई योजना है, जहाँ बच्चा पैदा होने से लेके एडोलेसेंट मतलब उनके बुढ़ापे तक हम लोग की योजना है। तो उन सारे की संबंध की जानकारी दी गई थी, जैसे जननी मातृ शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स है, RKSK का प्रोग्राम है, अंधता निवारण प्रोग्राम है, कुष्ठ निवारण प्रोग्राम है। कि सरकार द्वारा जितने भी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है उसको जन जन तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है। इसके माध्यम से हम सारी जन कल्याण योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आज ही हमारी प्रथम जनसंवाद कार्यशाला थी मीडिया बंधुओं के साथ। देहरादून लोक सेवा आयोग स्तर से पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में गठित SIT टीम मामले में ADG कानून व्यवस्था ने विस्तार से जानकारी दी है। ADG कानून व्यवस्था का कहना है कि लोक सेवा आयोग का दफ्तर हरिद्वार में है और हरिद्वार SSP को पूर्व में पेपर लीक मामले में कार्रवाई और सभी कानूनी प्रक्रिया का बेहतर ज्ञान है। SIT टीम में STF के सदस्य भी शामिल हैं, लिहाजा इस तरीके से चर्चाएं करना एक महज अफवाह है कि SIT बनाकर इस पूरे मामले को हल्का किया जा रहा है या दबाया जा रहा है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया में कुछ लोग इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं कि इस मामले में STF को हटाकर SIT बनाकर मामले को कमजोर किया जा रहा है। उनका जो ऑफिस है जो है वो कणकल पुलिस क्षेत्र हरिद्वार के हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट वहीं पे हैं। आज जो STF के जो हमारे जो बंदे हैं उस पे अटैच्ड है, उनके साथ अभी वो टीम SIT में है और SIT के नेतृत्व वो जो SSP हरिद्वार है वो खुद ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस मैटरों में, वो देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलेगी, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम पब्लिक जनरल हमारी जो लोग हैं पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहूंगा, किसी के पास भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन हो पक्की हो, यानी ऐसे फॉल्स एलिगेशन कंप्लेंट ना करें, आप किसी के पास भी सबूत ऐसे पक्की है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं SIT और STF या हमारा। 8 तारीख को लेखपाल और पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली देखने को मिली थी, जिसका खुलासा STF द्वारा किया गया था। वहीं अब लेखपाल और पटवारी परीक्षा में धांधली के खुलासे के बाद इसकी पूरी जांच STF से हटाकर SIT को दे दी गई है, जिस पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने STF से जांच को हटाकर SIT को सौंपने पर सवाल खड़े किए। हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद आनन फानन में राज्य सरकार ने STF से पूरी जांच उठाकर SIT को सौंप दी है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर STF जिसकी तारीफ करते राज्य सरकार थक नहीं रही थी UK SSC मामले में उसकी मुस्तैदी की और जिस तरह से वो तत्परता के साथ अपना काम निभा रहे थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि STF से ही राज्य सरकार का भरोसा उठ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का खुलासा बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए STF ने कर दिया हो, उसी का खामियाजा या उसी का दंड वो भुगत रहा हो? SIT की जांच में कहीं कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन एक बार नए सिरे से ये जांच शुरू करनी पड़ेगी, जबकि STF अपना आधा काम कर चुका था और कई मुख्य आरोपियों को और अभियुक्तों को पकड़ चुका था। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कनवाल की अध्यक्षता में महिला थाने की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जिसमें महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिलता है, बढ़ते महिला अपराधों को भी कैसे घटाया जाए इस संदर्भ में भी चर्चा की गई। वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम का कहना है कि महिला में पहले से जागरूकता आई है और महिलाएं उचित माध्यमों से अपनी बातों को रख रही है। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं, एक पहलू जहाँ आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह का की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियाँ होती हैं उनकी बात होती है। तो आज इसके बाद भी आगे कार्यक्रम जारी रहेगा जहाँ बढ़िया तरीके से एक दूसरे से बातचीत होगी। ऐसा है, महिलाओं में जागरूकता आई है,
पहले की अपेक्षा जागरूकता आई है और महिलाएं अब अपनी बात उचित माध्यम में रखने लगी। पहले महिलाएं डरती, समाज का डर था, घर का डर था, परिवार का डर था, परिवार न टूटे, कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी। अब महिलाएं शिक्षित भी हैं, महिलाओं को थोड़ा सा लगता है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए, तो जब वो अपनी बात रखती हैं तो कई समाधान भी हो जाते हैं, कई परिवार फिर से जुड़ भी जाते हैं। और कई अगर महिलाएं पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है तो फिर ये भी रहता कि चलो अगर इन पर ज़्यादा ही अत्याचार वो कर रहे हैं तो उनके लिए फिर अलग से वैसी व्यवस्था ही हो जाती है। भारत को प्रथम बार G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। G20 अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सहयोगी है जिसमें 20 देश शामिल है। G20 के सदस्य पूरे विश्व का 85% GDP, 75% व्यापार और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाता है। भारत को 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की अध्यक्ष प्राप्त हुई और इस बार भारत की अध्यक्षता का थीम वासुदेव कुटुंब या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। इसी के चलते आज हल्द्वानी के मुखानी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में महिला मोर्चा ने रंगोली बनाकर भारत को अध्यक्ष पद मिलने की खुशी जताई। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक स्थान बना चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कोरोना काल में डगमगाई और यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हुआ है उससे जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं उसके तहत G20 का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। विश्व के जो प्रमुख देश हैं इन्होंने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी निभाई है उस जिम्मेदारी में भारत भी आज एक बहुत अहम भूमिका में है। G20 को लेकर ये कार्यक्रम का यहाँ पर महिला मोर्चा द्वारा आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी G20 एक 20 देशों का समूह है और इसकी अध्यक्षता प्रथम बार भारतवर्ष को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्राप्त हुई है और इसके अंतर्गत जिसका मोटो है एक धरा एक परिवार और एक भविष्य और जिसको लेकर 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें आते हैं। देखिए जो G20 है इसका जो थीम है वैश्विक कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस बार इंडिया को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, हम इसका वेलकम कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है जहां पुलिस और एसओजी टीम ने 4 मोबाइल झपट्टा मार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 24 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त तो बिना नंबर की 2 बाइक बरामद की। पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। दो मोटरसाइकिल पर 4 युवकों को पकड़ा है जिनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। शुरुआत में ये दोनों ही मोबाइल फोन किसी उनके द्वारा चोरी गए थे जो कि उनके पास कहीं बेचने के लिए जा रहे थे। अन्य और घटना को अंजाम देने के इरादे हुए लोग थे। उनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुल 24 मोबाइल फोन हमें बरामद कराए गए और 2 मोटरसाइकिल और साथ ही साथ पीछे जो मोटरसाइकिल में बैठा युवक होता था उसके गले में एक शॉल ये लोग डाल के चलते थे। ये इनका एक काम करने का तरीका था कि जब भीड़ रहती है भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में आपस में एक दूसरे की पहचान बनी है और जो भी इस तरह के इन्हें सॉफ्ट टारगेट नज़र आए जब उसका फोन रिकी करें और फोन लेके भागें तो पीछे एक दूसरे के लिए पहचान उसमें बने रहे। मकर संक्रांति पर स्नान दान आदि करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी मंशा के साथ रविवार को श्रद्धालुओं ने रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर गार्गी नदी में स्नान किया। आस्था की डुबकी लगाने के बाद परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कई परिवारों ने घाट पर बच्चों के मुन्नन और किशोरों का उपनयन संस्कार भी कराया। कुमाऊं व गढ़वाल मंडल के विभिन्न स्थानों से पहुंचे कत्यूरी व्यंजनों ने अपनी राजमाता जिया रानी का जागर लगाने के बाद सुबह गार्गी में डुबकी लगाई। इसके बाद परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए सभी लोग अपने घरों में लौट गए। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं ने तिल के लड्डू, खिचड़ी, वस्त्र आदि का दान किया। आज के दिन उत्तरायणी का पर्व है के नाम से घुगती तैयार से मनाया जाता है हमारे कुमाऊनी संस्कृति में।
और हम लोग आज सितारगंज से यहाँ पर अपने जनेऊ का लड़के का जनेऊ करने के लिए आए हैं। इस दिन सभी लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर अपना अपने परिवार के लोगों का जनेऊ का संस्कार करने के लिए आए हैं। कई आस्था का एक सैलाब था यहाँ, तमाम देवी देवताओं का प्रकट यहाँ हमने देखा, तमाम लोगों ने जनेऊ कराया यहाँ पर और भी उपनयन संस्कारों में कई लोग सम्मिलित थे। जो आज ये मकर संक्रांति का मेला और माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है, इसमें पूरे उत्तराखंड से लोग जो राजवंशी कत्वरी वंशज थे तो वो लोग यहाँ पर एक शुभ दिन मानते हुए आज का जो माघ का महीना होता है उसके लिए यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। और यहाँ पर जो माघ के महीने की एक खिचड़ी के तौर पर एक प्रसाद वितरण होता है, वो सभी लोग यहाँ से प्रसाद भी लेते हुए जाते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है। मुफ्त दवाएं, मुफ्त डायग्नोसिस, मुफ्त पैथोलॉजी जांच के साथ साथ आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, श्रम विभाग कार्ड और स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्डों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। सरकार का मकसद है मरीजों को बेहतर और किफायती इलाज मिले। निशुल्क और कैशलेस चिकित्सा उपचार ने पकड़ी रफ्तार। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दे रही सरकार। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान योजना में 102 राजकीय 120 निजी चिकित्सालय सूचीबद्ध किए गए। 25 प्रमुख बीमारियों के 1600 पैकेज दे रही राज्य सरकार। प्रदेश में 48 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड हो चुके तैयार। अब तक 6 लाख आयुष्मान लाभार्थियों ने निःशुल्क कैशलेस कराया उपचार। अब तक 32,000 से ज्यादा बार लोगों ने पाया कैंसर का उपचार। निशुल्क उपचार में व्यय हुए 980 करोड़। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न रोगों में अच्छा उपचार मुहैया कराने के साथ साथ आपात स्थिति में तेजी से उपचार देने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी ने गर्भवती महिलाओं की हर मुश्किल को आसान कर दिया है। टेली मेडिसिन ई संजीवनी से आज दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के मरीजों को मिल रहा है निशुल्क परामर्श और उपचार। मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसले लेते हुए आज धामी सरकार ने प्रदेश में बेहतरीन वेलनेस सेंटर एवं आयुष टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास एवं विस्तार को नई उड़ान दे रही धामी सरकार। स्वस्थ उत्तराखंड बन रहा समृद्धि का आधार, नागरिक को